सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे मिस्टेक के बारे में जो कि हम इंडियंस जनरली करते हैं जब हम वीज़ा इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो ये मिस्टेक को अगर आप नहीं करेंगे देन आपका वीज़ा अप्रूव होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके बारे में आज का पूरा वीडियो रहेगा, सो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला जो मिस्टेक है वो है नर्वसनेस। जनरली हम सब नर्वस हो जाते हैं जब हम वीज़ा इंटरव्यू की बात करते हैं, क्योंकि कैसा है कि वीज़ा इंटरव्यू एक ऐसी चीज़ है जिस पे आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड कर रहा होगा। क्योंकि अगर वीज़ा मिला देन आप अपनी लाइफ पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं मिला देन आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरी तरह से सेटल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप ज़्यादा नर्वस ना हो जाए। थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो समझता है क्योंकि ये आपकी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है वीज़ा इंटरव्यू, तो थोड़ा बहुत नर्वसनेस समझता है। बट इतना नर्वस मत हो जाइए कि ये पूरी तरह से क्लियर कर दे कि आप शायद अब्रॉड जाने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो नर्वसनेस पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। दूसरा जो मिस्टेक है जो कि हम सब करते हैं वो है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस पे कई बार ऐसा हो जाता है कि हम इतने ज़्यादा, हमें मतलब जो कंसल्टेंसी से हम सीख के आते हैं उन लोग हमें ऐसा बताते हैं कि नर्वसनेस नहीं होना चाहिए, जो कि मैंने भी कहा। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में बात करें, ठीक है। इतना बात करने लग जाएं कि सामने वाला ये सोचे कि आपका इंटरव्यू नहीं बल्कि आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये भी कई बार हो जाता है कि हम ही कई सवाल उनसे पूछ लेते हैं, तो ये चीज़ ना हो। आप ध्यान रखिए कि जितना आपसे पूछा गया है उतना ही जवाब दें, ज़्यादा यहाँ पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ज़्यादा बात करेंगे देन ज़्यादा यहाँ पे आपके पास चांस हो जाते हैं कि आप और मिस्टेक करें। तो जितना हो सके उतना ही बात करें जितना पूछा गया है आपसे, उससे ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं होती। तीसरा जो पॉइंट है वो है पुअर कम्युनिकेशन। पुअर कम्युनिकेशन मतलब हम कई बार ये बोलते हैं कि हमें इंग्लिश आती है, ठीक है, जबकि हमें उतनी अच्छी तरह से नहीं आ रही होती है जब हम स्पीकिंग की बात करें खास करके। तो कई बार ऐसा होता है कि हम पुश कर रहे होते हैं अपने आप को कि हम इंग्लिश में ही जवाब दें। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश में जवाब दें। नो डाउट इंग्लिश में जवाब देंगे देन एक अच्छा इंप्रेशन बनता है क्योंकि आप अब्रॉड जा रहे हैं। बट अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं इंग्लिश में इतनी फ्लुएंटली, देन बेस्ट है कि आप बोलें कि एक रीजनल जो लैंग्वेज का इंटरप्रेटर होता है उसको रखें और बोलें कि इस तरह से मैं इंटरव्यू दूंगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, रीजनल इंटरप्रेटर आपको आराम से मिल जाता है और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है उस लैंग्वेज में आप इंटरव्यू फेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको अपने बारे में डिस्क्राइब करना होता है, आप क्यों जाना चाहते हैं वो आपको बताना होता है। तो लैंग्वेज यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह से अपने आप को कन्वे कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को कन्वे नहीं कर पा रहे हैं देन जनरली रिजेक्शन आता है। चौथा जो यहाँ पे एक पॉइंट है वो है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट हम लेके गए हैं, जो जनरली कंसल्टेंसी वाले ही बना देते हैं, हम जनरली बनाते नहीं हैं। तो जनरली जो हम डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं उतनी थोरोली हमने उतना नहीं पढ़ा होता है, जिसकी वजह से जब हम वीज़ा इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो कई बार होता है कि हमारी जो स्पीच है वो थोड़ी अलग रास्ते में जा रही होगी और हमारे डॉक्यूमेंट अलग रास्ते में जा रहे होंगे। तो ये चीज़ जो है ये सबसे बड़ा रीज़न होता है कि आपका वीज़ा कैंसिल हो जाए। तो अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि आपने डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या बोला है, क्या क्या रखा है, और उस हिसाब से जवाब दीजिए ताकि आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है और आपकी स्पीच एक ही लाइन में चले और आपको वीज़ा मिल जाए। पांचवा जो पॉइंट है इसी से ही रिलेटेड है कि कई बार हम ये सोचते हैं कि जब हम अलग दिशा में चलने लग जाते हैं और हमारे जो कॉन्सुलेट ऑफिसर है जो हमारा इंटरव्यू ले रहा है वो जब हमारी ये पॉइंट पकड़ लेता है कि हम दूसरी तरफ मुड़ रहे हैं, देन वो जब हमसे उस तरह से सवाल पूछता है देन हम क्या करते हैं उसको ढकने के लिए और आर्ग्यू करने लग जाते हैं उसके साथ, और आर्ग्यूमेंट जब हो जाती है मतलब समझ लीजिए वीज़ा रिजेक्शन। कभी भी एग्रेसिव ना हो जाए वीज़ा इंटरव्यू के टाइम। आपको ध्यान रखना है कि आपसे कोई गलती ना हो इंटरव्यू के टाइम, और अगर गलती हो जाती है देन उसको पोलाइट वे में सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ना कि आर्ग्यू करें चढ़ बैठे उसके ऊपर, ऐसा ना करें। और ध्यान रखिए कि आपका बिहेवियर जो हो वो डिसेंट रहे ताकि आप एक डिसेंट आदमी की तरह से काउंट हो और आपको वीज़ा ग्रांट कर दिया जाए। सो ये थे कुछ मिस्टेक जो जनरली हम करते हैं और उसको किस तरह से आप ओवरकम कर सकते हैं उसके बारे में ये था वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर क्लिक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।